What happened? आओ जल्दी। अरे जरा हटा, देखने दो। कोई बचाओ। हटी। कोई मेरी बेटी को बचाओ। बचाओ मेरी बेटी को। बेटी। Okay. बेटी आंखें खोलो। ठीक है। आंखें खोलो बेटी। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस। अंजलि, स्ट्रेचर लाने को बोलो जल्दी। Okay. डॉक्टर साहिबा मेरी बेटी। एम्बुलेंस बस आ ही रही है। Don't worry. ये पेट से है। प्रेग्नेंट है। सुनिए, हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। बेटा सुनो, तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? हाँ, एबी नेगेटिव। एबी नेगेटिव, ओके। हमारे पास है? नहीं है मैडम। ओ नो, ओके, कहीं से अरेंज करना होगा। हाँ महेश, जल्दी हॉस्पिटल चलो। अच्छा, साइरन ऑन करो जल्दी। हाँ, ये रुक क्यों गया? महेश, क्या हुआ? आगे ट्रैफिक जाम है मैडम। ए, गाड़ी हटाओ। अरे जल्दी करना, प्रेशर डाउन हो गया है, डायलेशन शुरू हो गया है। अगर बेहोश हो गई तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। किसे फोन कर रही हो? अर्जुन को। बोलो। हमें एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए ब्लड चाहिए, बहुत ही अर्जेंट है। ठीक है, हॉस्पिटल में कॉल करके कहो ब्लड अरेंज कर दे, मैं उसे लेकर तुम्हारे पास पहुँचता हूँ। ठीक है। अंजलि। हाँ? अपना GPS लोकेशन भेजो। ओके। सर, सर, अंदर प्रेग्नेंट लेडी है, इसे हॉस्पिटल पहुंचाना है जल्दी। देखिए सर, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। अगर प्रोटेस्ट की वजह से रास्ता जाम है तो 2 घंटे ट्रैफिक क्लियर होने में लगेंगे। ए, गाड़ी आगे ले, ये चलना। कितनी देर लगेगी महेश? सरकार को हमारी बात माननी होगी, माननी होगी। सरकार को मुआवजा देना ही होगा। सरकार को हमारी बात माननी ही होगी। We want justice. पुलिस, पुलिस, भागो, भागो। उस तरफ से। Damn it. अंजलि, मैं शमशाबाद सिग्नल पर फंसा हूँ, यहाँ प्रोटेस्ट की वजह से ट्रैफिक जाम हो गया है। क्लियर होते ही वहाँ पहुँचता हूँ। ओके? अर्जुन, ट्रैफिक यहाँ तक है, क्लियर होते होते टाइम लग जाएगा। कंडीशन बहुत सीरियस है। डू समथिंग। मैं कुछ करता हूँ। प्लीज मेक इट क्विक। Hey! Oh God! कार हटाइएगा। रिमूव योर बाइक प्लीज। ड्रोन के लिए ऊंची बिल्डिंग चाहिए। ट्रिमेटोल इंजेक्शन दो, जल्दी करो। ये बेहोश हो रही है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है।
क्या हुआ अंजलि? अर्जुन ब्लड लेकर आ रहा यहां? है। हाँ। वो इतनी ट्रैफिक में यहाँ पर पहुँच पाएगा? I don't know. Oh no. अंकल? हाँ? क्या हुआ? हेलो अर्जुन। अंजलि, कैन यू सी इट? या आई कैन। ब्लड तुम्हारे पास पहुंच रहा है, डोंट वरी। ओके। You're fine, okay? तुम्हारी बेटी और उसका बच्चा खतरे से बाहर है। हॉस्पिटल ले जाकर सी सेक्शन में उसकी डिलीवरी करवा दो। शुक्रिया डॉक्टर। चलो। पुरानी बातों को भूल जाओ वेंकट राव। कांग्रेचुलेशंस, तुम अब नाना बनने वाले हो। सीता चलो। चलिए। जिंदगी में पहली बार मुझे इतनी खुशी मिली है। तुम और तुम्हारे ड्रोन की वजह से दो लोगों की जान बच गई। ग्रेट, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। डैड आप कुछ ज्यादा इमोशनल नहीं हो रहे? मूड थोड़ा लाइट करना पड़ेगा। चलिए तैयार हो जाइए। कहाँ जाने के लिए? आपने और माँ ने जो साथ में सबसे पहली फिल्म देखी थी ना, सागर संगम, वो शांति थिएटर में एक बार फिर से रिलीज हो रही है। क्या? ये लीजिए टिकट्स। सागर संगम। हेलो शेखर, सब रेडी है ना? मॉम डैड बस पहुंचने ही वाले हैं। अरे सब रेडी है भाई, इस छोटा पैक बड़ा धमाका कैमरा से सब रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ मैं, हूँ ना, तू चिंता नहीं कर। और सुन, फिल्म खत्म होने के बाद सीधा मेरे घर आ जाना, ओके? ठीक है, ओके बाय बाय। यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? यही कि हमारी 30th एनिवर्सरी कैसी होगी। वो सेलिब्रेट करने के लिए पहले हमारी शादी जरूरी है, और उसके लिए तुम्हें अपने डैडी को हमारे बारे में बताना होगा। इस बार पक्का बता दूंगा। कल ही बात करूंगा। सरप्राइज एनिवर्सरी पार्टी के बाद ने मॉम डैड के लिए एक और सरप्राइज होगा। कमला हसन। अच्छा। कहाँ है सब? घर में कोई नहीं है क्या? कोई दिखाई नहीं दे रहा? कहीं सब सोता नहीं क्या? अर्जुन, राधिका, धनु, सरप्राइज! कम कम, हम सब कब से आपका वेट कर रहे हैं।
हैप्पी एनिवर्सरी माँ. ओ डैड, हैप्पी एनिवर्सरी. ए, शेखर कहाँ है? अबे, उसे छोड़ तो पहले यहाँ बरा. आजा. रेडी? वाह 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 वाह, बहुत हो गया रोमांस. आपको मंदिर जाना है, चलिए. कितनी देर और? आ रहे हैं ना? तुम चलो, हम आ रहे हैं. ठीक है, जल्दी आ जाइए. अर्जुन. हाँ माँ. तुम्हारी बहनें कहाँ हैं? तुम सब हमारे साथ मंदिर नहीं आ रहे हो क्या? तुम अभी तक चड्डी में ही हो, तुम्हारी बहनें भी नहीं दिखाई दे रही. आखिर तुम लोगों का प्लान क्या है? हाँ, जब आप दोनों घर वापस आओगे ना, तब समझोगे हम सब आपके साथ क्यों नहीं आए. क्यों? फिर से कोई सरप्राइज है क्या? सिर्फ एक नहीं माँ, बहुत सारे सरप्राइजेस हैं. और डैड के लिए तो एक स्पेशल सरप्राइज है. मेरे लिए? वो क्या है? एक्चुअली आज रात मुझे आपसे कुछ कहना है. रात को क्यों? अभी बताओ ना, मैं खाली हूँ. अभी नहीं नहीं नहीं, आप वापस आ जाइए, फिर बात करते हैं. देर से जाने से भगवान नाराज थोड़े ना होंगे. तुम बोलो. प्लीज डैड को समझाइए ना. अरे चलो. अरे अब जाइए भी. माँ एक फोटो. डैड थोड़ा कम स्माइल कीजिए. ए, बाइक इधर नहीं उधर लगाने का. इधर जगह नहीं है, उधर जा लगा. ए, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे फोन आया था कि यहाँ पर अंकल आंटी हैं. यहाँ पर? लेकिन वो यहाँ क्या कर रहे हैं? सीता लक्ष्मी और मुरली कृष्णा के रिश्तेदार कौन है? हाँ, सर, है. सर. आओ मेरे साथ. ए, बोलना, क्या तुम सीता लक्ष्मी को कैसे जानते हो? माँ सर. क्या? मेरी माँ है सर. क्या उन्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी? नहीं, कोई हेल्थ इशू नहीं है. और मुरली कृष्णा को? सर दे आर बोथ हेल्दी पीपल, दोनों को कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है. एनी अदर मेडिकल हिस्ट्री? सर मैंने बताया ना, उन्हें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है. सर एक मिनट, मुझे बताइए बात क्या है. क्या तुम्हें नहीं पता? आई एम सॉरी, तुम्हारे पेरेंट्स की कार का एक्सीडेंट हो गया. हा? कार नदी में जा गिरी और वो बाहर नहीं निकल सके. आई एम सॉरी, हमें ऑर्गन कलेक्ट करने के लिए डोनर पेपर पर आपके सिग्नेचर चाहिए, बस फॉर्मेलिटी के लिए. कहाँ है वो? बेटा अर्जुन, घर में कोई नहीं है क्या? क्या फिर से कोई सरप्राइज है? तुम सब हमारे साथ मंदिर नहीं आ रहे हो क्या? जिंदगी में पहली बार मुझे इतनी खुशी मिली है. माँ
हूँ।